हे नोट्स गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त सावन, स्वागत करता हूँ आप सभी का जी गेमिंग यूट्यूब चैनल पे। एंड गाइस, एक धमाकेदार खबर निकल के आ रही है एनवीडिया की तरफ से, जो आपको पागल भी कर सकती है। साथ में जिन्होंने पिछले 4-5 महीने या 6 महीने के अंदर 20 सीरीज यानी 2080 Ti, 2060 सुपर वगैरह ग्राफिक कार्ड्स लिए हैं, उन लोगों को सदमा पहुंचा सकती है। ये वीडियो आप अपने रिस्क पे देखना है आपको, ठीक है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। तो गाइस एनवीडिया ने लॉन्च कर दिए अपने 3000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स। और गाइस मतलब मैं अभी अभी मेरे यहाँ पे सर्फिंग कर रहा था सिस्टम पे, एंड आई वॉस मतलब पागल हो गया मैं कि एनवीडिया ने निकाल दिए अपने 3000 सीरीज ग्राफिक कार्ड्स। और गाइस खूबी तो ये है कि एनवीडिया ने इस बार प्राइजिंग्स का पूरा ध्यान रखा है, यानी कि अब आप लोग कर पाओगे 4K गेमिंग एट जस्ट 51,000 रुपीज टू 55,000 रुपीज ओनली, जो कि मैं कहूँगा इज द बेस्ट वर्थ थिंग, ठीक है। देखो अभी जिन्होंने 2080 Ti लिया है उन लोगों को बहुत बड़ा सदमा पहुँचाऊंगा इस प्राइजिंग को सुन के। एक्चुअली प्राइजिंग कन्फर्म नहीं है, बट एनवीडिया ने अपनी साइट पे मेंशन किया है कि प्राइजिंग जो होने वाली है 50 से 60 हज़ार के अंदर होगी। तो 60 हज़ार मैं कहूँगा वर्थ है भाई, जहाँ पे तुम लोग 1-1 लाख रुपए खर्चा कर रहे थे एंड वहीं पे अब आपको प्राइजिंग मिलने वाली है एकदम से एकदम लो, और परफॉर्मेंस मिलने वाली है आपको बीस्ट के जैसी, यानी कि 4K गेमिंग एट 60 FPS, 30 भी नहीं गए, 60 FPS जस्ट ओनली एट 60,000, पकड़ के चलो 60,000 के अंदर आपको मिलेगी, जो कि पूरे 2080 Ti की आधी कीमत है ये। और गाइस ये हमें परफॉर्मेंस देने वाला है 3070 सुपर, या फिर कह सकते हो 3070। और गाइस बहुत ही अच्छे ग्राफिक कार्ड्स एनवीडिया ने 3000 सीरीज में निकाले हैं, और डिज़ाइंस वगैरह भी उन्होंने अपने वेबसाइट्स पे मेंशन किया है। भाई मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं डिज़ाइन का देख के फ़ैन हो गया, क्योंकि ऐसा मतलब मस्त सा डिज़ाइन बनाया एनवीडिया ने, और AMD को काफ़ी ज़्यादा टक्कर देने वाले है। और क्योंकि AMD ने अपने 4K गेमिंग ग्राफिक कार्ड्स को उतना कुछ ध्यान दिया नहीं है, अभी तक बनाए नहीं है इतने अच्छे ग्राफिक कार्ड्स, तो वैसे तो AMD का मार्केट ग्राफिक कार्ड के अंदर अभी फिनिश सा हो गया है। एंड AMD ने भी एक नया जलवा दिखाया है कि अपने ग्राफिक कार्ड के प्राइस की प्राइसेस जो है वो बहुत कम कर दिए है, एंड इट इज़ वर्थ कि अगर तुम लोग 17-15 हज़ार के अंदर कोई ग्राफिक कार्ड लेना चाहते हो, तुम लोग दोनों कंपनीज के फायदे में हो, क्योंकि अभी दोनों बहुत अच्छे तगड़े कॉम्पिटिशन में है। और AMD ने तो अपने CPU के की प्राइसिंग तक ड्रॉप कर दिया, आपको पता है इंटेल के 10th generation लॉन्च हो चुके हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी बीस्ट थिंग फॉर अस यूजर्स, हमारे लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि हम कोई भी अभी मतलब प्रोसेसर जो है 9th-10th generation का बहुत सही प्राइसिंग पे ले पाएंगे। एंड AMD का भी बहुत अच्छे प्राइसिंग पे हमें मिल रहा है 3000-4000 सीरीज। और गाइज ये वीडियो एक्चुअली पर्टिकुलरली एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स पर डिपेंडेंट था, तो गाइज बेंचमार्क्स अभी खैर फिलहाल आए नहीं है, बट ये ग्राफिक कार्ड जो है इन्होंने ध्यान रखा है कि आने वाले 4-5 साल आपके आराम से निकल जाएंगे, यानी कि अभी आपको पता है कि PlayStation 5 भी लॉन्च हो रहा है, तो अभी ये सारी चीज़ें जो है PlayStation 5 को देखते हुए बनाई गई है। देखो अभी तीनों कंपनियों को एकजुट होना होगा ऐसा लग तो रहा, सभी को लग रहा है, मुझे ही नहीं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, हमारे यूजर्स, हमारे काफ़ी यूट्यूबर्स को भी लग रहा है कि अभी तीनों कंपनियों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी PlayStation भी आ रहे हैं, और PlayStation जो है अभी सोनी ने भी ध्यान रखा है कि PlayStation को वो लोग 4K गेमिंग के लेवल तक ले जाए। आप समझ सकते हो इतने से डिवाइस के अंदर आपको इतना सारा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, तो दैट इज़ वर्थ कि वो लोग आपको 50-60 हज़ार के अंदर देते हैं अगर 4K गेमिंग, तो घंटा कोई नहीं खरीदेगा ग्राफिक कार्ड CPUs, और कोई वही मतलब टंटा नहीं पालेगा इस बिल्ड करने का, समझ रहे हो तुम, ठीक है। तो अभी सारे प्राइसिंग ड्रॉप होने वाले हैं, अगर तुम लोगों को कुछ भी लेना है डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की लिंक दे रखी है मैंने, जाओ वहाँ से PC कंपोनेंट्स परचेज करो। और आज के इस वीडियो के लिए कितना हुआ वीडियो यार, मेरे को टाइम भी नहीं दिख रहा, अच्छा 4 मिनट का हुआ है। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एकदम टिल दैट, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ गाइस, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं सान भाई माइनक्राफ्ट क्यों नहीं खेल रहे हो, ठीक है, तो अभी मैंने सिस्टम चेंज किया हुआ है, मैं लैपटॉप पे अभी वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी जो है फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ बिकॉज के मैं लैपटॉप अभी मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास अभी है Pentium G620 वाला सिस्टम, तो ठीक है। तो अभी इस पर मैं हमारा पूरा रेगुलर वर्क मेरा इसी पे चल रहा है, तो बहुत जल्द आने वाले हैं माइनक्राफ्ट वीडियोस। मैं कहूँगा कि अभी आज अगर ये वीडियो अपलोड होता है, आज की डेट है यार, तो आज की ओके सॉरी सॉरी हाँ तो वाइज आज की डेट मुझे देखनी पड़ेगी यार, ठीक है, तो आज 6 सितंबर है, मेरे वीडियोस जो है आपको मिलना शुरू होंगे तकरीबन 8 या 7 सितंबर से। देखो अभी मैं
रात के टाइम पे शूट कर रहा हूँ, आप देख ही सकते हो मैंने सब पर्दे वर्दे बंद कर रखे हैं अभी के लिए, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं 8 और अभी मैं करने वाला हूँ इस पर एडिटिंग। ये अभी मैंने चालू ही रखा है तो इसको एडिट करूँगा, फिर 9 बजे 9:30 के आसपास पोस्ट करूँगा। तो गाइस प्लीज़ इस चीज़ के लिए एक लाइक तो बनता है और मुझे पता है आप लोग ये लाइक कर दोगे। बस आज के शुरू को इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।